वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और ये म्यूजिक लंच जो है दीवानापन के, जिसमें डायरेक्टर सूरज शाह जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर संजय श्रीवास्तव जी हैं, संजय गुप्ता जी, अमित श्रीवास्तव जी, और मैं, हम लोग के लाडला जो है शिवम, बहुत सारा योगदान है सबका। और काजल रघवानी है, अमृता पांडे जी हैं, तो सबने अच्छा योगदान दिया, संजय पांडे से लेकर संजय महानंद तक, मटरू जी, जो भी कलाकार हैं, हीरा मास्टर से लेकर कानू मुखर्जी से लेकर हमारे डांस मास्टर रिकी मास्टर जी, तो सबने अपना योगदान दिया। नीलम पांडे जी जो हमारी माँ के रोल में हैं, तो सबका अपना अपना योगदान, और फुल एनर्जी के साथ ये फिल्म बनी है। लोकेशन बड़ा प्यारा था, कहानी बड़ी अद्भुत थी, गाने इसके जो म्यूजिक हैं, मुझे इतने इधर जितनी फिल्में के हूँ सबसे मुझे लगता है जे बहुत बेस्ट म्यूजिक है इसका, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हमारे रजनीश मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे मेहंदी लगा के रखना के डायरेक्टर भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट एक मूवी बनी है, और इमोशन एक नॉर्मल आदमी कैसे किसी से मोहब्बत कर लेता है और उसकी हसर क्या होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारे रियल ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो कहानी की अगर बात करें तो सर जी, तो खजुराहो का जो अभी चर्चा हो रही थी, तो क्या कुछ स्पेशली ऐसा रिक्वायरमेंट था कि हाँ खजुराहो में शूट होना चाहिए? नहीं, एक कहानी का नहीं ऐसा कहानी का कोई डिमांड नहीं था, एक हमें देहात चाहिए था, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था, तो हमें डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे नहीं हो पाया। वहाँ की पब्लिक लेकिन हमारे हमें जानती थी, भोजपुरी के लोगों को पास जानती थी, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करती थी। और दूसरी ये चीज़ था कि फ्रेश लोकेशन हम हर जगह, जैसे राजपिपला से लेकर गुजरात, झारखंड, हर जगह हम लोग जाकर शूट कर ही चुके हैं, तो एक नया लोकेशन हमें मिला, और वहाँ पे जो सिटी है वो बड़ा प्यारा है, वहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तो सबने कॉपरेट किया, और एक अच्छी मूवी बनाने में वहाँ के भी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री में काजल जी के अलावा और भी एक्ट्रेस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग अभी काजल जी के साथ ही होती है, ऐसी क्या बात है कि सफलता जो है काफ़ी मिलती है आप और काजल जी साथ में होते हैं किसी फिल्म में? तो इसको क्लियर कर दे, पूनम पांडे का कुछ बीच में नाम आया था, वो कह रहे थे पूनम दुबे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्लियर कर दो कि उस सिनेमा में शुभी शर्मा थी साईं, जब मैं साइन हुआ था तो शुभी शर्मा थी। शुभी शर्मा को अचानक से हटाकर दो दिन पहले मुझे पता चला कि पूनम दुबे हैं। पूनम दुबे से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन वो भी एक एक्टर हैं जो पहले साइन थी। क्या कारण हटाया, कैसे हटाया आपने? क्योंकि देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर हो। अभी अब अपनी शुभी का चर्चा किया, उसमें एक और हीरोइन थी जिनका नाम था अंजना सिंह, तो मैं हर हीरोइन के साथ काम करता हूँ, प्रोड्यूसर जिसको लाता है मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप किसी को हटाकर किसी को रखिए, ये मैं काम नहीं करता। तो शुभी को आप क्यों हटाए मुझे जानना ज़रूरी है। मैं उस पर अड़ गया कि नहीं, शुभी अगर थी पहले जब मैं साइन था तो शुभी थी, अचानक से कोई लड़की हट के और अचानक से कोई क्यों घुसेगा, उसका भी अपना इमोशन है। तो और मेरे सामने कोई खड़ा हो तो एक एक्टर होना चाहिए ना, मैं किसी के सामने काम तो कर नहीं पाऊँगा। सब लोग अपने जगह पर अच्छे एक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने काम करने का तरीका है। चलते चलते आखिरी सवाल, आज यहाँ पे काजल जी नहीं दिख रही, कुछ समस्या है? हाँ, उनके फूफा जी का देहांत हो गया है, उसके वजह से वो काफ़ी दो दिन से डिस्टर्ब भी थी, तो वो सुबह की फ्लाइट से चली गई, और मेरा कुछ काम था तो मैं शाम की फ्लाइट से, मैं 2 बजे की फ्लाइट से आया, वो 11 बजे की फ्लाइट से वो पूना चली गई। तो शायद हम लोग दोनों पटना में ही थे, क्योंकि वहाँ पे मेरा शो था लगातार, मेरा और काजल का लगातार 3-4-5 शो था वहाँ पे, तो इसकी वजह से हम गए थे, उनको भी आना था, लेकिन अचानक से ये सब हादसा हुआ तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं है, लेकिन फिर इस फिल्म के प्रमोशन अगर होगा तो ज़रूर रहेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, दीवानापन से कितनी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीद है? देखिए, हर आदमी को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अफसर बने, हर माँ को उम्मीद होती है, तो हमारे लिए हमारा फिल्म हमारी माँ है, तो कहीं ना कहीं, और हमारी पब्लिक जो है वो हमारे लिए भगवान है, तो हम बस पूजा कर ही किए हैं, बाकी फल देना तो पब्लिक के हाथ में है कि कितना फल देती है, बशर्ते हम कोशिश किए हैं कि हर वो चीज़ मनोरंजन से लेकर, इमोशन से लेकर, एक कमर्शियल मूवी, एक कहानी, एक घर परिवार की बातें, एक घर की चर्चा, एक कलाकार की चर्चा, जो भी एक मूवी में होना चाहिए, एक पूर्ण कहानी के रूप में दीवानापन बनी है। मैं डबिंग किया तो मैं खुद ही रोने लगा, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गई, मैं आधे घंटे तक डिस्टर्ब हो गया, जो लास्ट क्लाइमेक्स उसका चला था। तो कहीं ना कहीं है, कोशिश है हमारी,
बाकी ईश्वर के हाथ में, हमारी पब्लिक के हाथ में। पूजा की बात करें तो हमारी पूजा आ गई है। के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये लोग प्रोड्यूसर नहीं है मेरे लिए, और मैं किसी के साथ भी काम करता हूँ तो प्रोड्यूसर के हिसाब से उनके साथ में काम नहीं करता। ये लोग, इन लोगों ने मुझे भाई की तरह ट्रीट किया वहाँ पे, भाई की तरह मोहब्बत दी, भाई की तरह प्यार किया, और मैं भी भाई की तरह ही काम करके आया। एज ए हीरो काम मैं नहीं कर पाया, क्योंकि एक हमारी फैमिली है, और अगर हम हीरो और एक्टर डायरेक्टर जो भी है, अगर फैमिली बन के काम ना करें तो शायद हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। हर आदमी अपने ईगो में जीता है, लेकिन मैं, मेरा एक नेचर है कि मैं जब भी जाता हूँ फर्स्ट डे से सबको अपनी फैमिली की तरह मानने लगता हूँ और मोहब्बत वही देता हूँ। तो हम एक फैमिली की तरह इस मूवी को बना कर लेकर आए हैं। संजय जी, अमित जी, सूरज जी, शिवम, जितने भी इसे फिल्म के फाइनेंसर से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का सबका अपना एक योगदान था और सबकी एक मोहब्बत थी। 12 बजे रात को भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये लोग तुरंत लेकर आते थे और तुरंत हमें वो साधन मिल जाती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक मोहब्बत था, और एक अच्छी मूवी बनाने का इन लोगों ने काम जो किया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इन सब का, जिन लोगों ने एक अच्छी मूवी बनाई। ये बहुत अच्छी डांसर भी हैं, बहुत अच्छी अद्भुत एक्ट्रेस भी हैं। इनके लिए, इनका लिए पहला मूवी है भोजपुरी का। मैं पूरी बस दुनिया से प्रार्थना करूँगा जो भोजपुरी को जानते हैं कि इनके भविष्य के लिए आप भी दुआ करिए, कोशिश आप जैसे आप लोगों ने सारे स्टारों को इतनी मोहब्बत दी, इनको भी वो मुकाम आप लोग दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप ही दे सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन पे दो गाने हैं और बाकी मूवी में इनका भूमिका ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोगों एक नई, जो एक नए से डरता है आदमी, वो डर इनके अंदर नहीं थी, क्योंकि हम इनको कम्फर्ट कर चुके थे। इनको एक होता है ना कि एक स्टार की गरिमा के से लोग डर जाते हैं जो कोई नया होता है, ऐसा कभी मैं भी इनको महसूस नहीं होने दिया और हम लोग कम्फर्ट होके काम किए। अच्छा जी, मैडम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो खेसारी के साथ आपने काम किया, खेसारी जी के साथ क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे हमारे कैमरा में? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं अमृता पांडे, और ये मेरी मूवी है भोजपुरी मूवी, पहली मूवी। और जब मैं खेसारी जी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये पूरे प्राउड में, मुझे एकदम नेचुरल वे में, बहुत अच्छे से, एकदम पोलाइट वे में मुझसे बात किए, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है, मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं लगा कि मैं एक स्टार के साथ काम कर रही हूँ, और कॉमन मैन जैसे होते हैं आप, हमसे हंसते थे, बोलते थे, बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा शेड पे बोलते थे। पहले मैं आती थी तो चेयर पे बैठिए, आप बैठाई चेयर ला के दो, मतलब इतना रिस्पेक्ट। मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगी कि अगेन इनके साथ मैं काम करूँ। मैं बहुत अच्छा, बहुत खुशी हूँ।